हेलो बच्चों, आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो कॉमन है, उस पे ध्यान भी दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट और कॉलेज ऑफिशियल्स के द्वारा, हमारे द्वारा बिल्कुल भी नहीं। और वही चीज़ इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं तुम लोगों को। तो इस चीज़ को देखो और इससे तुम्हें सीखना है कि ये चीज़ कहाँ तुम कैसे रोक सकते हो। अगली बार ध्यान से खेलना, लगनी नहीं चाहिए किसी को, समझे? अल्ले लल्ले हट। पिछली बार तो थर्ड थे, फर्स्ट कौन आ गया? आनंद करके लड़का है। पढ़ाई पे ध्यान नहीं है आजकल तुम्हारा? नहीं मम्मी, कर रहा हूँ मैं। थोड़ा अच्छा करो, मैंने तो एग्जाम के टाइम भी बोला था, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। सॉरी मम्मी। तो अगली बार अच्छे से करना। कौन है तुम, यहाँ कैसे? मैं आपके लिए खाना लेके आई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने आज तुम्हें मना किया था ना खाना लेके आने। पर मैं तो क्या, मैं बोला था ना आज नहीं लेके आने, मेरा आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरी बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली है। तुम्हें समझ नहीं आता है कुछ, जल्दी निकलो यहाँ से। कार्ड वहीं पे पड़ा हुआ है, जितने पैसे निकालने हैं निकाल ले तू, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत कर। मैंने उसका लिमिट भी एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक, जा निकल। हैश टैग ट्राई बेबी, सही सही है, बिल्कुल सही। बच्चे तो जाने दो यार।
तो दोस्तों जो हुआ यहाँ वो गलत था, ये तो सबको पता चला। लेकिन यहाँ जो सीखने वाली बात थी वो तो ये थी कि यहाँ गलती दोनों बच्चों की थी भी और नहीं भी थी। एक ने अपना फ्रस्ट्रेशन दबा कर रखा, जहाँ दूसरे ने अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकाला, जिस वजह से ये बुलिंग का कारण बना। एंड दैट्स व्हाई हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हमें बता रहा है अपनी कोई बात, तो हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए और जहाँ तक बल पड़े वहाँ तक उसकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू।